होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह। सो अबू ज़र तो पेस्ट्री बना चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त वो पेस्ट्री बनाए थे। आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा। अबू ज़र ने फर्स्ट टाइम कुछ बनाया है और सीरियसली बहुत अच्छा बना था, तो आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो मैं बना रही हूँ आज, वो मैं बताने जा रही हूँ बताशे। बहुत लोग पानी पूरी मुंबई में कहते हैं, पुचका कहते हैं, बताशे कहते हैं, कोलकाता में पुचका कहते हैं, तो मैं पानी पूरी बना रही हूँ। इससे पहले भी मैंने पानी पूरी बनाया है और दो तरीके का मैंने पानी शेयर किया है, एक पुदीने का पानी शेयर किया, एक इमली का पानी शेयर किया। सो आज जो मैं बनाऊँगी सिर्फ एक ही पानी बनाऊँगी, वो है इमली का। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको पुदीने का पानी बनाना है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और मैंने आलू बनाया था क्योंकि कोलकाता में ना जो पुचका होता है उसमें ना आलू देते हैं, और यूपी साइड में ना जैसे दिल्ली में और कानपुर में और जैसे लखनऊ में तो वहाँ पे ना मटर देते हैं। तो आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग वो अंदर स्टफिंग के लिए रेडी कर सकते हैं, आलू या फिर मटर। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जब मैंने पानी पूरी पुचका डाला था तो मैंने पुचका खुद घर पे बनाया था, तो अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख के बना सकते हैं। लेकिन आज मैंने जो बनाया है कानपुर में पानी पूरी, तो मैंने वो मार्केट से पुचका ख़रीदा। ऐसा नहीं कि मैंने मार्केट से पुचका ख़रीदा तो सिर्फ रेडीमेड है उसमें भर के खा लिया, यूँ नहीं, उसे मैंने फ्राई किया है। तो आइए मैं आपको उसकी पूरी पैकेट दिखाती हूँ, कितने प्राइस क्या है एंड कितने क्वांटिटी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, सो यहाँ पे मैंने बना लिया है आलू, और आलू और पानी मैंने किस तरीके से बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा हर एक चीज़ मेंशन कर करके बनाई है, तो पूरा डिटेल्स के साथ है, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया पहले ही कि मैंने बताशे को घर में बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने एक पैकेट मिल गया हमारे घर के नीचे में, तो ये साहिल कंपनी का है और ये 45 रुपीज़ का मिला है और इसमें 100 पीस हैं। आई थिंक 100 पीसेस ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि जब मैं फ्राई कर रही थी ना तो मुझे नहीं लगा कि 100 पीस है, इसमें पीसेस लिखे नहीं हैं, बट कितने ग्राम है ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। 7.3 ग्राम है और 1.4 ग्राम है, क्या है तो फैट है क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं बट पीस नहीं लिखा हुआ है। तो ये 45 रुपीज़ के थे और इतना था ना कि हम चार लोग खा के ना हम लोग के पेट फुल हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा था। एक मैंने कढ़ाई में इसे फ्राई कर करके निकाला क्योंकि काफ़ी था तो कढ़ाई में रखना ज़्यादा ज़रूरी था, उसे फिर मैंने कवर कर दिया, फिर थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो गया तब हम लोग ने इसे खाया। तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं, कंपनी है साहिल। तो इसे तेल में किस तरीके से डालना है, तेल को ना बिल्कुल गर्म कर लेना, वैसे आप घर के भी बताशे बनाओगे ना तो जो बताशे का तेल होता है ना बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हाई हीट पर होना चाहिए, चाहे बाहर का हो चाहे घर का हो। जब भी आप फ्राई करें बताशे को तो तेल एकदम गर्म होना चाहिए, फटाक से उसमें डालें और अपने स्पैचुला से हल्का सा इसे इस तरीके से टर्न अराउंड करते रहें और फिर उसके बाद इसे निकाल लें। तो यहाँ पे हमारा गोलगप्पा पुचका बताशे तैयार है और इसे हम निकाल लेंगे। सो इसी तरीके से हम सभी को फ्राई करेंगे और ये बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप घर में नहीं, अगर आपको खाने का बहुत ज़्यादा मन है और बताशे नहीं बना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें बताशे घर में बनाने में थोड़ी सी तो मेहनत होती है, तो आप फटाक से मार्केट से ले आएँ और इसे फ्राई करें और आलू और पानी बना के इसे इंजॉय करें। लॉकडाउन के बाद काफ़ी, मतलब 4-5 महीने होने वाले हैं जब, जिस दिन से लॉकडाउन लगाया ना उसके बाद मैंने घर का ही बताशा खाया है, पानी पूरी खाया है, क्योंकि बाहर का तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग के घर के आसपास में एक दो जगह लग भी रहा है, खुल भी रहा है, लेकिन एकदम दिल गवारा नहीं हो रहा है, इसलिए घर में ही बनाएं अच्छा एकदम फ्रेश और इसे घर में ही इंजॉय करें। और ये देखिए बहुत अच्छा ये, मतलब फ्राई हुआ मतलब अच्छा लग रहा था, टेस्ट अच्छा था, थोड़ा सा ये टाइट था लेकिन अच्छा था। तो आप अगर चाहें तो मार्केट से ले आ सकते हैं, पानी का तो लाजवाब बना था,
बहुत ज़बरदस्त बना था। अबू ज़र तो कह रहे थे ना ठेला खोल लेते हैं बश्रा हम लोग बताशे का, तो बस यूँ ही। और बहुत अच्छा ये आलू भी बहुत अच्छा है ना, तो आप आलू का मसाला जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसा बना सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर इस तरीके से बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएं। और इसे देख के ना रहा नहीं जा रहा था, बस दिल करे खा लें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे जुड़े हमारा हौसला अफजाई करें, दुआ में याद रखें। और यहाँ पे अबू ज़र को बुलाई हूँ मैं खा के दिखाने के लिए, और अबू ज़र जी को तो रहा ही नहीं जा रहा ना, देख किस तरीके से ये खा रहे। और अब बुजुर्ग जी को तो रहा ही नहीं जा रहा, इतना ज़बरदस्त बना है और वो और खाने की तैयारी में है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अभी हो सके तो बाहर का ना खाएं, घर में ही बना के खाएं। तो बाहर में अभी सेफ भी नहीं है, तो आप बाहर का ना खा के घर में ही खाएं बना के। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे अबू ज़र इंजॉय कर रहे हैं, लॉकडाउन में बहुत दिन के बाद खाए ना, तो अब हम लोग जा रहे हैं ये खाने के लिए। आप लोग भी बना के ज़रूर खाएं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।